हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विल मेक योरसेल्फ यूनिक। आज आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। कौन सी प्रॉब्लम है भाई वो? तो प्रॉब्लम ये है कि सर, हम लोग सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, ठीक है, या कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है। तो अब सॉफ्टवेयर सीख रखा है, उसके बाद भी जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें नीचे 12 mm का बार दिखाता है, ऊपर 16 mm का बार दिखाता है, उसके ऊपर 22, 24, 25 कुछ भी दिखा रहा है। ऐसा सब आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा अगर आपने डिजाइनिंग पर ढेर सारी प्रैक्टिस की होगी। तो अब हमें क्या वो डाटा प्रीफर करना चाहिए कि नीचे 12 mm है, ऊपर 16 mm ऊपर वाले फ्लोर पे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि भाई ये क्या है, कॉलम है कि बीम है कि फुटिंग है कि स्लैब है। अगर मान लो कि कॉलम है तो कॉलम का मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? अगर मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज पता है स्टील का तो आइडियली कितना परसेंटेज हमें देना होता है? जैसे कि मान लो जो मिनिमम जो है वो 0.8 है, मैक्सिमम 4 है, तो आइडियली कितना परसेंट देना चाहिए? तो आइडियली एज पर माई एक्सपीरियंस 1.2%, 1.4%, 1.3, 1.5% अच्छा होता है G+4, G+5 तक के स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से डिजाइन करोगे तो इतने में डिजाइन अच्छी हो जाती है। चलिए, तो अब हमें जो भी डाटा सॉफ्टवेयर ने दिया तो सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आपको मैनुअल पता हो तो कैलकुलेट में मैंने क्या बताया, मैंने मैनुअल में क्या होता है कि एसटी आपको पता चल जाता है, एरिया ऑफ स्टील। अब जब एरिया ऑफ स्टील पता चल गया तो हम खुद से दे सकते हैं कि कितने एमएम का कितना बार देना है। नॉट रिक्वायर्ड टू सी इन सॉफ्टवेयर कि अच्छा भैया सॉफ्टवेयर में इतना दे रहा है इतना ही दे, नहीं। सॉफ्टवेयर ने एसटी दे दिया ना आपको, तो आप डिवीजन खुद से कर सकते हो अगर आपको मैनुअल का आइडिया है तो, एक्सेल का आइडिया है तो। कई ढेर सारे बच्चे होते हैं जिनको मैनुअल और एक्सेल, मतलब एक्सेल तो चलो बाद में आया, पहले मैनुअल कॉलेज में क्लियर नहीं रहता है। अब वो सॉफ्टवेयर पे केवल पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, तो जब पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहोगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमको आइडिया है, ठीक है, कि भाई 8 mm के नीचे स्टीलअप्स नहीं लगाना है तो हम 6 का नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये कब पता चलेगा? जब हमें मैनुअली हमको पता रहेगा। इसी तरीके से कई कंपनियां क्या होती हैं, वो मैनुअल पे अपने डाटा को चेक करती हैं, मैक्सिमम कंपनियां एक्सेल पे चेक करती हैं कि भाई ये एसटी आया हमको सॉफ्टवेयर से, इसको डाल दो, कितना एमएम के बाद हमें एक्सेल से मिल रहा है ये हमें पता चल जाएगा, करेक्ट। तो हमें मैनुअल और एक्सेल दोनों का अगर नॉलेज है सॉफ्टवेयर के साथ, तभी हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका जो कोर्स, मेरे आपको पता है कि अपने पास एक कोर्स था स्टेड और आरसीडीसी का, एक कोर्स था मैनुअल का, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करके मैंने स्टेड और मैनुअल दोनों को क्या बोलते हैं कंबाइन कर दिया है, एक्सेल भी उसी के अंदर कंबाइन करके कॉम्बो कोर्स टाइप का बना दिया है। तो उसमें क्या होगा कि उससे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस ये कहूंगा कि आप कहीं से भी एक्सेल और मैनुअल को अच्छे तरीके से सीखिए, और क्योंकि जब एक्सेल और मैनुअल पता रहेगा तो स्टेट का जो डाटा रहेगा, जो ईटैब का डाटा रहेगा, उसको हम लोग ईटैब को भी कंबाइन कर देते हैं, तो ईटैब और एक्सेल को भी मिक्स करेंगे। ईटैब सेफ आरसीडीसी और एक्सेल एक कंबाइन कर देते हैं, और स्टैट और आरसीडीसी और प्लस मैनुअल एक कंबाइन कर देंगे, जिससे कि क्या हो कि आपको बेहतरीन चीजें एक साथ मिल जाएंगी, प्लस उसमें आपको फी भी कम हो जाएगा। डेफिनेटली जब साथ में रहेगा तो कुछ कम करके जितने पॉसिबल रहेगा कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सीखते हो जिसमें आपको एक्सेल और मैनुअल के साथ सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है, अब आप पूरी तरीके से ऐसे इंसान हो चुके हो कि अगर मुझे, मैं गया अभी किचन के अंदर गया तो किचन में अगर मुझे नमक डालना है अपनी सब्जी में, ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि 2 kg सब्जी के लिए इतना नमक, 100 ग्राम नमक चाहिए, और मैं पहले से सब्जी बनाने में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे पता है कि इसकी जो रियल क्वांटिटी होती है वो 2 चुटकी होती है। तो ये 2 चुटकी जो है ये मैनुअल है, अगर इसका नॉलेज है ना तो सब्जी में कभी नमक ज़्यादा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर कितना भी गलत बताए, गलत नहीं बताता होगा एक्चुअली, सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बताता है कि भाई ये एक्यूरेट है, तो आप बोलो कि नहीं हमको पता है कि कितना चाहिए, 2 चुटकी चाहिए, थोड़ा बहुत तुमसे हम आगे पीछे का आइडिया ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेट नहीं किया है कि सब्जी 2 kg है, तुमने प्रॉपर वेट किया है कि 2 kg है, हम तो इसको 1.25 या 1.25 भी मान के 2 चुटकी डाल देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैनुअल का, अगर ये क्लियर है तभी आप रेनफोर्समेंट प्रॉपर दे सकते हो,
कई बार मैं बोलता हूँ कि जो आरसीडीसी के डाटा है उनको भी हमको एडिट कर देना चाहिए अगर वो गलत डाटा दे रहे हैं तो उनको जब एडिट करोगे तो क्या होगा, एक्यूरेट डाटा आपको वहाँ से मिल जाता है और फिर उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, नीचे 12 एम का बार है, ऊपर 16 का कैसे लगाओगे भाई, नीचे 16 का ऊपर 12 का समझ में आता है। तो ये डिटेलिंग के लिए आपको इनका डीप नॉलेज अगर है एक्सेल का, मैनुअल का, प्लस स्टेट आरसीडीसी का या फिर ईटैब सेफ का, तब आप जाके अच्छा डिजाइन कर सकते हो। हमेशा याद रखो एएसटी इज द मेन थिंग्स, ठीक है। इन सब के साथ मैं बहुत ढेर सारे स्टडी मटेरियल देता हूँ जिसमें सारा का सारा कंप्लीट मैनुअल कैसे डिजाइन करना है एक्सेल से और कैसे डिजाइन करना है मैनुअली, वो विथ फॉर्मूले सब के सब लिखे रहते हैं, सारे स्टडी मटेरियल इसी के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनको अगर आप लेना चाहो तो ले लो, और उसके साथ ही साथ आप मैनुअल को जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने ऐप में मैनुअल के फ्री सीट्स भी डाल रखे हैं ढेर सारे जिसमें कंप्लीट मैनुअल बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिले तो मुझे चैट बॉक्स में हाई करके भेजना, मैं आपको भेज दूंगा उसको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। याद रखना रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो रिजल्ट है, रिजल्ट ही अगर हम सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर सीधी सीधी बात है क्लाइंट कैसे हैप्पी होगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।